क्या है ब्लैक होल, क्या होगा अगर कोई इंसान ब्लैक होल में फंस जाए, क्या आयरन मैन अपना नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट पहनकर ब्लैक होल से बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आप लोग भी कर दो चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करो अपने भाई को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे स्पेस के एक सफर पर, जहां पर आप देखेंगे ब्लैक होल क्या होता है और आप फील करेंगे कि आप ब्लैक होल के अंदर जा रहे हैं। दोस्तों, ब्लैक होल कोई भी मैटर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें भार है, जिसमें द्रव्यमान है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो किसी चीज को इतना कंप्रेस कर दिया जाए कि इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी इनफाइनाइट यानी कि अनंत हो जाए, और उसका गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी उससे लाख करोड़ गुना अधिक हो जाए तो वह ब्लैक होल बन जाएगा। अगर तुलना की जाए तो पृथ्वी को एक हथेली पर रखे मोती जितना कंप्रेस कर दिया जाए तो पृथ्वी ब्लैक होल बन जाएगी। अब बारी आती है ये जानने की कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल बने कैसे। आप सभी ने आसमान में टूटते तारे तो जरूर देखे होंगे, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तारों का आकार कोई निश्चित नहीं होता है, ये बहुत ही छोटे भी हो सकते हैं और बहुत ही बड़े भी हो सकते हैं, इतने बड़े कि ये सूरज से हजार गुना लाख गुना बड़े भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से जब कोई तारा अंतरिक्ष में टूटता है तो वो अंतरिक्ष में कई सारे प्रेशर्स को सहते हुए इधर उधर घूमता रहता है, और उन प्रेशर्स का परिणाम यह होता है कि वे कई सालों या सदियों में कंप्रेस होकर एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। अब मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई तारा पृथ्वी से एक लाख करोड़ गुना बड़ा है, अगर वो तारा कंप्रेस होने के बाद एक ब्लैक होल बनता है तो उस ब्लैक होल का साइज पृथ्वी जितना बड़ा होगा। मेरी इसी बात से आप समझ सकते हैं कि हमारे और अन्य सौर मंडल में स्थित ब्लैक होल्स कितने बड़े हो सकते हैं। एवन सोलर मास ब्लैक होल इज हैड अबाउट अप्रॉक्स 1.6 ट्रिलियन टाइम्स द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वी एक्सपीरियंस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब यह है कि एक सूर्य जितने बड़े ब्लैक होल में पृथ्वी के तल पर महसूस करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 1.6 लाख करोड़ गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करेंगे। इसका मतलब अगर ब्लैक होल आपको खींचने पर आ जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया छोड़िए ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको ब्लैक होल के अंदर जाने से रोक नहीं सकती। अब बारी आती है कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर चले गए तो आपका क्या होगा। जैसा कि आइंस्टीन बता चुके हैं कि किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व यानी कि एक शंक्वाकार रूप दे देता है, इसीलिए ब्लैक होल ऊपर से देखने में एक भोपू की तरह दिखता है। यदि कोई इंसान ब्लैक होल में गिरने लगे तो उसके ऊपरी भाग जिसको इवेंट होरिजन भी कहते हैं उसमें पहुंचते ही वो एक खिंचाव बल का अनुभव करेगा, और फिर जैसे जैसे वो ब्लैक होल के अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे उसका शरीर खिंचते हुए और भी लंबा होता जाएगा, यानी कि शरीर रबड़ की तरह स्ट्रेच होता जाएगा। इससे या तो वो फट जाएगा और या फिर वहाँ की एनर्जी से जलकर राख हो जाएगा। अब आप अनुभव कीजिए कि आप किसी दूसरे ग्रह की तलाश में निकले हों और आप ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं, तो आपके साथ दो बातें हो सकती हैं। या तो आप स्ट्रेच होकर ब्लैक होल के अंदर जल के राख हो जाएं, या फिर जिंदगी भर ब्लैक होल के अंदर फंसे रहें। अगर आप बिना कोई झटका खाए ब्लैक होल के अंदर फंस जाएं और ब्लैक होल में गिरते चले जाएं तो यह फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टीन ने हैप्पीएस्ट थॉट का नाम भी दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार कहा यह भी जाता है कि ब्लैक होल में आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं क्योंकि वहां पर स्पेस टाइम का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। अगर आप वहां पर फंसने के बाद जिंदा बच जाएं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी के 100 वर्ष 10 सेकंड में खत्म हो जाएं, जिससे आप जल्द ही बूढ़े हो जाएंगे और आपको मौत का एहसास भी नहीं होगा। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ब्लैक होल है उसका नाम है गाइया BH1, जो अर्थ से लगभग 32,000 लाइट ईयर्स दूर है, यानी लगभग 30,272 लाख करोड़ किलोमीटर दूर। इसलिए फिलहाल अभी तो आपको और पृथ्वी को ब्लैक होल से कोई खतरा नहीं है। और रही आयरन मैन की बात, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी पृथ्वी से 1.6 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा होती है, तो आयरन मैन का वहां से निकलना नामुमकिन होगा। लेकिन हाँ, ब्लैक होल में शायद मिस्टर फैंटास्टिक सर्वाइव कर सके क्योंकि उनकी बॉडी तो ऑलरेडी रबड़ की तरह है। तो फ्रेंड्स, अगर ब्लैक होल की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए।